आप गए 7 स्टार में, 5 स्टार में पैसे देकर भी ऐसा मजा नहीं उठा सकते जैसे आप खुले आसमान में बैठ के ये लैम्प के साथ और ये ऐसा खाना खा सकते हैं, वो भी चूल्हे पे बना हुआ। ये छोटा सा पिल्लू है हिरन का, इसको बहुत जोर से उड़ाया गाड़ियों ने, उससे चलना भी नहीं हो रहा है। तो आप जब भी गाड़ी चलाते हो ना, बहुत धीरे चलाओ, बहुत जोर से लगा उसको। अच्छा चलो, कौन जीतेगा देखो। अरे मत दौड़ो भाई, मत दौड़ो। यहाँ पे हमने एक यूनिक सी चीज देखा है जो मुझे नहीं लगता जैसलमेर में कहीं होगी। आप बहुत पीसफुली यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो कैंपिंग, और इनका हाथ का खाना बहुत फेमस है। बाहर भी सो सकते हैं, यहाँ पे बाहर बेड लगा के आराम से सो सकते हैं अंडर द स्काई। ओके, और अंदर भी आराम से कंफर्टेबली सो। सो गाइस, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि रात को ठंडा रहता है, इधर भी सो सकते हैं। पूरा गांव वाला टिपिकल स्टाइल। हमारा है बाथरूम, ये देखो अंडर द स्काई, ये देखो चाय बन रहा है गाइस, ये देखो प्रॉपर चूल्हा। और आपको पता है भैया को टोटल 5 languages आते हैं ना। कौन कौन सा लैंग्वेज आता है आपको? जर्मन आता है थोड़ा बहुत, और जापानीज, मारवाड़ी, इंग्लिश, हिंदी। क्या बात है, आपको तो हमसे ज्यादा हमको सिर्फ मराठी और हिंदी आती है और इंग्लिश। बट क्या बोलते हैं इसको? इसको हमारे यहाँ राजस्थान में चिबड़ी बोलते हैं। चिबड़ी जी। सो राजस्थान में ये जो अभी ये मेन्यू बन रहा है इसको चिबड़ी बोलते हैं। Let's go. Hello guys, good morning. Good morning. Fresh fresh चेहरे देखिए guys. आज है day 2. हम लोग है अहमदाबाद, अहमदाबाद में समझ लीजिए। Now we are moving to जैसलमेर. Yes. And यहाँ से है जैसलमेर 500 kilometers. Exactly. So again, 9 to 10 hours लगेगा। दिन की शुरुआत अच्छी हुई है। जैसे मैंने कल रात को बताया था, हम लोग निकलेंगे 5 बजे, बट हुए हैं 6 बिकॉज थोड़ा रेडी होने के लिए टाइम लगता है। सो नीचे जाते हैं, गाड़ी करते हैं स्टार्ट और हमारा सफर शुरू करते हैं जैसलमेर की तरफ। जैसलमेर की तरफ day 2। सो मिलते हैं रास्ते में, कुछ अच्छी चीज मिलती है तो देखते हैं, और ब्रेकफास्ट चाहिए तो रास्ते में साइड में रुकाते बनाते हैं हम लोग। मोरिया मोरिया। देखो पालनपुर यहाँ से 123 किलोमीटर है। उसके बाद हमारा राजस्थान जब स्टार्ट होगा उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे। देखते हैं, हम लोग रुके हैं पालनपुर अभी, एंड यहाँ पे 96 रुपये है पेट्रोल, तो पूरा फुल कर दिया। अभी यहाँ से लगेगा राजस्थान, तो राजस्थान में है महंगा पेट्रोल, वहाँ पे 112-113 है। सो गाइज, हम लोग रुके हैं राजस्थान हाईवे, पालनपुर जस्ट ख़त्म हो गया है, एंड ये देखो, एंड यहाँ पे एक सर्विस रोड दिखा, वहाँ पे हम लोग रुक गए। यहाँ पे अभी बनाते हैं यथार्थ के लिए, स्पेशली हम लोग हमेशा बनाते हैं दैट इज पोटैटो शैलो, फ्राई करते हैं उसको, एंड हमारे लिए देखता हूँ कुछ बनाते हैं। ठीक है, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। आते जाते हुए लोग सभी देख रहे हैं हमारे तरफ, ये क्या चल रहा है इन लोगों का। सो ये बातें होती रहती है, यानी आप कैंपिंग करते तो ऑफकोर्स लोग आते जाते देखेंगे, तो अवॉइड करो, अपने फूड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। सो ये जो है ना गाइस, मैं कर रहा हूँ पोटैटो कट यथार्थ के लिए, गाइस ये देखो, सबसे पहले आज दिन की शुरुआत होती है यथार्थ के ब्रेकफास्ट से। ये देखो स्माइली, उसका फेवरेट है सॉस एंड शैलो फ्राई पोटैटो, ये देखो। सो गाइस ये देखो, हमारा हो रहा है ब्रेकफास्ट रेडी, डायरेक्ट राजस्थान गुजरात हाईवे पे हमने रुकाया गाड़ी। छोटा सा हम लोग ब्रेकफास्ट जल्दी से बना रहे बिकॉज होटल का खाना है बंद।
तो गाइस हमने लिया है नारियल का पानी। राजस्थान शुरू हुआ बहुत यानी बहुत ज़्यादा धूप है और अलग सा लग रहा है कुछ राजस्थान में एंट्री करने के बाद। और गुजरात तक रास्ते बहुत ही मक्खन थे, जैसा ही राजस्थान स्टार्ट हुआ तो थोड़े थोड़े पैचेस खराब है। यहाँ पे मैंने सोचा हर जगह मुझे नारियल दिख रहे थे, वो देखो हर जगह नारियल दिखेंगे आपको। बट सीन क्या है, प्राइस हर जगह मुझे लगता है नारियल का पूरे इंडिया में सेम ही रहेगा। मुंबई में भी 50 रुपये और राजस्थान में भी 50 रुपये। चीयर्स। ये देखो गाइस, वो जो हिरन है ना उसको बहुत जोर से मारा। कभी भी यार आप गाड़ी चलाते हो ना वो थोड़ा धीरे चलाओ, इसके वो इतने ज़ोर से ठोका है ना वो गाड़ी वालों ने हिरन को। ये देखो ये छोटा सा पिल्लू है हिरन का, इसको बहुत ज़ोर से उड़ाया गाड़ी ने, उससे चलना भी नहीं हो रहा है। तो आप जब भी गाड़ी चलाते हो ना बहुत धीरे चलाओ, बहुत ज़ोर से लगा उसको। अभी पहुँचे हैं बाड़मेर राजस्थान, और जैसलमेर है यहाँ से सिर्फ 150 किलोमीटर। सो हमारा ये जो है ना फर्स्ट टाइम है गाइस, सो बहुत आराम से जा रहे, इतना ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन से गाड़ी चला रहा हूँ मैं। सो अभी जैसलमेर सिर्फ 150 किलोमीटर है, अभी है हम बाड़मेर में जो कि राजस्थान में है, इसके बाद जैसलमेर। सो उधर मिलते हैं डायरेक्टली। देखो गाइस जैसलमेर 60 किलोमीटर से, और पोखरण जो है वो है 94। सो हम लोग पोखरण नहीं जा रहे, जैसलमेर जा रहे। पोखरण आपको पता ही रहेगा, वो जो मूवी आया था ना, कौन सा मूवी आया था, यह था जैसलमेर नहीं, तो वो परमाणु जो मूवी आया था ना उसका शूटिंग हुआ था वहाँ। न्यूक्लियर टेस्ट जहाँ पे हुआ था वो पोखरण है राइट हैंड साइड पे, तो वहाँ नहीं जा रहे हम लोग, जा रहे सीधा, ठीक है। हाँ अगर रहती है हाँ। तो फिर अभी आप जा रहे थे किधर? उधर किधर जाने का है? हनीफ भाई के इधर का कौन है? ये क्या नाम है तुम्हारा? फारूक। हनीफ भाई के इधर का हो गया? हाँ। किधर से भागे? क्या क्या खाने को क्या चाहिए? अरे तुम्हारे इधर ही तो खाना खाने आए हम लोग, अभी हम लोग वहाँ में खाना खाने ये बोल रहा मैं। क्या चाहिए खाने में तेरे को? तेरे को क्या चाहिए भाई खाना खाने के लिए? किधर है अपना ये? किधर है साजन भाई? आगे सफेद कलर का बुशर्ट होगा। हाँ क्या घर में? अरे घर में नहीं, वो उसको गाड़ी में बिठा के लेके जाने का है हनीफ भाई। क्या वो वहाँ पे? ये आगे। अच्छा चलो कौन जीतेगा देखो। अरे मत दौड़ो भाई मत दौड़ो। मैं कल वो है क्या? चल बाय भाई, टेक केयर, आता हूँ मैं कल। हनीफ भाई, ये है हनीफ भाई। ये हम इनसे 6 से 7 दिन से हम लोग इनसे बात कर रहे हैं कंटिन्यूसली, पहुंचना कैसे है मुंबई से, सारा हमारा डिस्कशन चल रहा है। और ये सारी जो प्रॉपर्टी इनकी है,
यस। सो बेसिकली कैसा है कि गाइस यहाँ पे हमने एक यूनिक सी चीज़ देखा है जो मुझे नहीं लगता जैसलमेर में कहीं होगी। आप बहुत पीसफुली यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, कैंपिंग और इनका हाथ का खाना बहुत फेमस है। तो हम लोग क्या करते हैं फटाक से, हनीफ भाई दिखाएंगे हम कहाँ पे रुकने वाले। आपका हर्ट है सर? ओके। अंदर बेड वगैरह लगे हुए हैं और वॉशरूम भी है अंदर अटैच है। ओके। एक टैप रनिंग वाटर है। ओके। और अंदर रात को एकदम कूल रहता है, नॉर्मली बाहर भी सो सकते हैं, यहाँ पे बाहर बेड लगा के आराम से सो सकते हैं अंडर द स्काई। ओके। और अंदर भी आराम से कम्फर्टेबली सो। सो गाइज यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि रात को ठंडा रहता है, इधर भी सो सकते हैं, पूरा गांव वाला टिपिकल स्टाइल। ये हमारा जो घर है यहाँ पे हम रुकने वाले हैं। क्या बोलते हैं इसमें हिंदी में इसको? इसको हट्स मतलब चौरा बोलते हैं हमारे यहाँ लैंग्वेज में, चौरा बोलते हैं इसको। चौरा बोलते हैं? चौरा बोलते हैं। ओके। इसको बोलते हैं चौरा गाइस। चौरा यहाँ पे राजस्थान में आज से मतलब 50-60 साल पहले लोगों के पास पूरे गांव ऐसे ही बने रहते थे। अच्छा। अभी तो क्या थोड़ा चेंजेस हो गया है। ओके। ये पुराने स्टाइल का वैसे घर बना हुआ है। ओके चलेगा। तो अभी अंदर का भी टूर कर देगा इस, तो देखना है कैसा है। चलो बताओ अभी। सो ये देखो गाइस हम लोग कर रहे हैं एंट्री। आपको यहाँ पे थोड़े प्रिकॉशन लेना होगा। राइट तो हम लोग थोड़ा सा ये करेक्ट। सो ये देखो गाइस ये सोलर लैंप है छोटा सा अंदर सिर्फ लाइट के लिए, और ये बेड है, इधर बाथरूम है, वॉशरूम बना हुआ है अंदर। ओके। सो ये देखो गाइस ये यहाँ पे है चेयर्स, चेयर्स वगैरह, छोटा सा टेबल, ये भी ट्रेडिशनल जो है चेयर है, ये बनाया हुआ है हाथ से। हाँ ये हाथ से बनाया हुआ है सब। ओके तो ये हाथ से बनाया हुआ है, एंड इसके बाद ये यहाँ पे छोटा सा चेयर, ये देखो ये ट्विन बेड है, इसमें दो तीन आदमी लोग आराम से सो सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा आदमी है तो मैट्रेस डाल के दे देंगे, एक्स्ट्रा बेड, चार बेड आराम से आ जाते हैं, चार बेड आराम से। और यहाँ पे अटैच जो है ये है बाथरूम और ओपन स्काई अंडर द स्टार। ये देखो अंडर द स्टार गाइस हमारा है बाथरूम, ये देखो अंडर द स्काई, ये देखो ऊपर स्काई ओपन ओपन है, ये देखो ये ओपन बाथरूम, पूरा गांव वाला फीलिंग। ये देखिए ये यथार्थ भी देखो वो भी एंजॉय कर रहा है। सो ये हनीफ भाई की कुटिया, ये हमारा किचन है सर। ओके। ऑलवेज ओपन, यस फॉर गेस्ट। ये देखो गाइस एकदम छोटा सा जो है ये यथार्थ बाहर आ जाओ। ये देखो एकदम छोटा सा हमारा है किचन जहाँ पे हमें खाना बना के स्पेशल मिलेगा। चाय बन रहा है अभी, ये देखो चाय बन रहा है गाइस, ये देखो प्रॉपर चूल्हा गांव का, ये लकड़िया तोड़ के लेके आए हनीफ भाई ने, एंड ये बन रहा है, ये पूरा क्रॉकरी वगैरह, और यहाँ पे डाइनिंग टेबल, यहाँ पे सिटिंग वगैरह कर सकते हैं आराम से। विंटर में तो पूरा एकदम अलग ही। अच्छा विंटर में तो ज्यादा ठंडी रहता रहेगा ना बहुत, और ग्राउंड में पूरा रहता है सिटिंग एरिया वगैरह ऐसे। ये देखो सो यहाँ पे बेसिकली गाइस हम लोग तीन दिन गुजारने वाले, तो खाने का जो है ना मजा लेते हैं यहाँ पे टिपिकल गांव वाला। हनीफ भाई के हाथ का खाना भी खाएंगे जी। देखते हैं और हमारा कैंपिंग भी करेंगे। सो हनीफ भाई हम लोग क्या करने वाले हैं? आपके ट्रेडिशनल जो खाना है वो बनाओ। बिल्कुल हम हमारा ट्रेडिशनल खाना बनाएंगे क्योंकि हम लोग शेयरिंग करेंगे या शेयरिंग करेंगे। बिल्कुल। सो हम मेरा भी कैंप का मैं सेटअप कर लूंगा, मेरे पास है टेंट ओपन करूंगा, हम भी खाना बनाएंगे, आप भी खाना बनाओ और मजा लेते हैं। क्या प्रीति? यस। ओके ओके सर। सो ये जो है ये कल करते हैं, आज तो ज्यादा थक चुके हैं तो आराम करेंगे जी, अभी चाय पीते हैं, चाय का मस्त चुस्की मारते हैं। हाँ। उसके बाद देखते हैं बात का प्लान, बराबर। ओके डन। सो थैंक यू हनीफ भाई, वेलकम सर। अभी तीन दिन है ही हम लोग जी स्कूल में सीखना पड़ता है, तो इसलिए हिंदी के काफी सारे वर्ड इंग्लिश में तो फिर भी आ जाते हैं और हिंदी में नहीं आते। और आपको पता है भैया को टोटल 5 लैंग्वेजेस आते हैं ना। हाँ। कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं आपको? जर्मन आता है थोड़ा बहुत। हाँ। और जापानीज, मारवाड़ी, इंग्लिश, हिंदी। क्या बात है, आपको तो हमसे ज्यादा हमको सिर्फ मराठी और हिंदी आती है और इंग्लिश। ठीक है अच्छा है, चलो तीन दिन अच्छे से हम लोग करते हैं एंजॉय। और हमारा टेंट कब लगाना है? आज या कल ही लगाएंगे? कल हमारा सेटअप करेंगे आज आराम। हाँ ये था, क्या करना है तुम्हें? ये इधर बैठना है। और गाइस अभी देखोगे आप तो यहाँ पे प्रॉपर जो है, आपको अगर आना है तो यहाँ पे है, यहाँ पे प्रॉपर चार्जिंग के लिए सब कुछ है। ये देखो तो चार्जिंग भी लगा सकते हो, आपके पास कोई मोबाइल वगैरह या कुछ रहेगा
ये देखो, देखो यहाँ पे हमें रात भर रुकना है। सो ये करते हैं एंट्री। क्या बन रहा है भाई? दाल। ये दाल है, ये देखो गाइस, ये बात। और इसके साथ क्या है? ये है काकड़ी। ये काकड़ी है, ये अपने खेत में बनी हुई है। खेत में, हमारे फार्म में। ये फार्म में बनी हुई ककड़ी है। ये क्या बन रहा है भाई? आटा, चपाती। अच्छा, चपाती बन रही है। ओके, चपाती लोट। चपाती लोट यानी आटा। अच्छा, आटा। ओके, ये देखो। और वो क्या है उसमें? ये चटनी है इसको बनाने। अच्छा, ये चटनी, ये वाली चटनी इसमें डालोगे? हाँ। ओके, चलेगा। कब तक रेडी होगा खाना? बस हाफ आवर। अच्छा। सो गाइस, हम लोग बैठे हैं इलियास भाई के साथ। टिपिकल चूल्हा जिसपे खाना बन रहा है। और ये क्या है? ये जो है फार्म से है, उन्होंने कट किया है कुकुम्बर। अरे वाह, ये तो मस्क मेलन सामान लग रहा है ना, ये ककड़ी। हाँ। सो ये है कुकुम्बर, इसमें वो स्पेशल उन्होंने मसाला बनाया। इसमें मिक्स करना है। हाँ, इसमें मिक्स करेंगे और देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है। ये अलग से कुछ, क्या बोलते हैं, अलग से ये मेन्यू है। बट क्या बोलते हैं इसको? इसको हमारे यहाँ राजस्थान में चिबड़ी बोलते हैं। चिबड़ी जी। सो राजस्थान में ये जो अभी ये मेन्यू बन रहा है, इसको चिबड़ी बोलते हैं। एक पीस ये अलग अलग छोटे होते हैं, बड़े भी होते हैं। अच्छा, ये तो हमने उधर गांव से आते समय खाया था। हाँ, वही। यस यस यस। सो इसको छील के कट करना पड़ता है और वो मिक्स करना है। हाँ। सो प्रीति भी आई है देखने के लिए स्पेशली। सो प्रीति कैसा है? ये देखो खरबूजा, सॉरी ककड़ी जो है इसमें मिक्स किया, अभी इसको कर रहे हैं मिक्स। तो बोलते हैं कि बहुत टेस्टी है। तो इसको एज अ चटनी चटनी और चपाती के साथ भी खा सकते हैं। ओके, इनको छील के काट के सूखो देते हैं बाहर धूप में। सूख जाने के बाद एकदम ड्राई हो जाता है, उसके बाद इसमें लहसुन के साथ कूट के चटनी भी बना सकते हैं। अच्छा, सूखी चटनी। हाँ, सूखी चटनी। एंड इधर ये भैया बना रहे हैं आटा, ज्यादा होता है उसको ढाने। अच्छा, क्या क्या एक होगी, एक है तो उसको झोपड़ी बोलते हैं, ज्यादा है तो उसको ढाणी बोलते हैं। ओके, फाइन। तो ये चीज हमें नई पता चली है ना। राइट। सो ये देखो, नई जगह आके नई चीजें एक्सप्लोर करने का यही फायदा होता है कि हमें नई नई चीजें सीखने मिलती है। एग्जैक्टली। सो आप कभी भी आते हो जैसलमेर में, ऐसा टिपिकल जो गाँव का जो खाना है उसका मजा लीजिए। शहर में तो खा खा के हम लोग पक गए। ये रोटी बन रही है, तवे पे रोटी डाला जाएगा वो प्रॉपर चूल्हा जिसपे हमारी अभी रोटी सेकी जा रही है, फिर उसके ऊपर ही डालोगे, वो फ्लेम के ऊपर ही डालोगे उसको ना? क्या फिर ये यहाँ से निकल के इधर डालोगे? खाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ओके। गर्मा गर्म होगी तो। हाँ। अरे क्या बात है, एकदम प्रॉपर बनाया यार ये तो। ये देखो गाइस, ये गांव वाला खाना, शहर का खाना एकदम फीका है इसके सामने। एकदम देसी खाना, नहीं भाई? जी, देसी खाना, एकदम देसी खाना। सो गाइस, सबसे पहले ये देखो, यथार्थ है सोया खटिए पे फूल मुने हाज। ये हमारी ढाणी, ये ढाणी, बट हमको अंदर नहीं बाहर सोना था, वो भी फुल मून यानी पूरा चारों तरफ स्टार्स, नीले आसमान के तले। नीले आसमान के तले। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये देखो, आप गए 7 स्टार में 5 स्टार में पैसे देकर भी ऐसा मज़ा नहीं उठा सकते जैसे आप खुले आसमान में बैठ के ये लैम्प के साथ और ये ऐसा खाना खा सकते, वो भी चूल्हे पे बना हुआ। ये देखो, ये स्पेशल चटनी जो कुकुम्बर खिबड़ी, ये बनाया उन्होंने दाल, ये उनके फार्म में बनता है ना ये। अच्छा, ये जो दाल है ना वो ये उनके फार्म की है दाल। एंड ये रोटी, और मैंने बोला है उनको कि ये नीचे के 2 रोटी देसी घी में डाला है उन्होंने, ऊपर की रोटी तू खाना। यस। ये राइस और ये गुड़, डेजर्ट में गुड़। नहीं, ये लोग गुड़ खाते ही है।
तो yes. उन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट्री या उनका जो ट्रेडिशन है उसके लिए दिया है, तो मैं भी करके देखते हैं। yes. क्योंकि बिकॉज ये कभी ट्राई नहीं करी है। खट्टी मीठी। अच्छा खट्टा मीठा लग रहा है। मस्त, मैं तो यही खाने वाली हूँ। क्या बात कर रहे, एकदम मस्त। मुझे भी बहुत भूख लगी है, तो मैं अभी ट्राइपॉड खड़ा करता हूँ और मैं भी खाना खाता हूँ। ये देखो घी वाली रोटी, जो स्पेशल मैंने उनको बोला था घी वाली रोटी मुझे बना के दो, तो इसका टेस्ट करता हूँ। वो भी देसी घी में बनाया उन्होंने। सो देसी घी एंड रोटी, मस्त गर्मा गर्म, और चटनी मस्त है ना। चटनी एकदम स्वादिष्ट है गाइस। मैं तो चटनी ही खा रही हूँ, मैंने तो सब्जी टेस्ट भी नहीं करी। मुझे क्या लगा जब उन्होंने कुकुम्बर में वो जो मसाला जो बनाया था, तवा जो था, तवा फ्राई कुछ किया था, यानी तवे में उन्होंने कुछ मसाला बना के कुकुम्बर में ऐड किया। मैंने, मुझे ऐसा लगा कि कुकुम्बर में कुछ मसाला ऐड करते तो क्या पानी छोड़ता है वो, तो ऐसा लगा कि अच्छा नहीं बनेगा, बट एक्चुअली अच्छा बना है। और ये लोग मस्क मेलन को कुकुम्बर ककड़ी कहते हैं, कच्चा मस्क मेलन, और फर्स्ट टाइम देखा है मैंने। अच्छी है बनी है ना। अभी दाल, दाल भी अच्छी है। तो ये जो दाल है ना, इनके फार्म की दाल है, जिसमें उन्होंने पोटैटो डाला है एंड टमाटर, वो भी चूल्हे पे बनाया। ये खाना पूरा चूल्हे पे बनाया गया, तो इसीलिए बहुत टेस्टी लग रहा है। देसी घी का था कि रोटी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चूल्हे पे आप कोई भी सिंपल से खाना भी बनाओ ना, उसकी टेस्ट ही अलग ही होती है। yes, बात yes. ही अलग होती है। जो खाना का स्वाद होता है वो एकदम उभर के आता है। वाओ, सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। गांव का टिपिकल खाना, वी आर प्रीटी श्योर कि आपको पसंद आया रहेगा। सो अभी देखो यथार्थ भी स्नोरिंग कर रहा है वो, क्योंकि बहुत थक चुका है। सो अभी करते हैं वीडियो को एंड, हम लोग फटाफट खाना ख़त्म करते हैं और हम भी सो जाते हैं। एंड टुडे इज ये दो सेकेंड डे जो था जैसलमेर टू का, यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं डे 3 को।